दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, नसीब में जिसके जो भी लिखा होता है उसे वो मिलकर ही रहता है, कोई किरदार हो या फिर कोई गाना। कहते हैं जिसके किस्मत में होता है उसे वो मिल ही जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जब पहले किसी और को वो काम करना था लेकिन बाद में उसे किसी और ने किया और वो बेहद सफल भी साबित हुआ। ऐसा ही कुछ हुआ था किशोरदा के साथ। जिस गाने को पहले किशोरदा गाने वाले थे वो किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, फिर वो गाना मिथुन चक्रवर्ती जी पर फिल्माया गया और इतना बड़ा हिस्टोरिक हिट हुआ कि आज भी उसे सुना जाता है। वो कौन सा गाना था और किसने दी थी आवाज़, आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं संतोष, दिस इज मूवी म्यूजिक मी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। वीडियो को अपने जान पहचान वालों में शेयर भी करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं किशोरदा से जुड़ी आज की ये स्टोरी। गाने से पहले मैं इस फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि किशोर कुमार जी उस गाने को आखिर क्यों नहीं गा सके। वो सुपरहिट गाना मिथुन जी की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर का था। ये फिल्म 17 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म को बब्बर सुभाष ने निर्देशित किया था और इसी फिल्म के जरिए बप्पी दा के थ्रू डिस्को की बॉलीवुड में एंट्री हुई थी। फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि इसने 80 के दशक में 100 करोड़ का बिजनेस किया था और 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली भारत की पहली फिल्म रही। एक बार बंबई पहुंच लेने दीजिए, हर चीज पर इसका नाम होगा। जिमी आइसक्रीम, जिमी चॉकलेट, जिमी फैब्रिक्स, जिमी टी शर्ट। सुरक्षा गवैया और डांसर, एक दिन मैं इस काबिल बनकर दिखाऊंगा जिस दिन तुम इस सड़क छप कबैया से ऑटो कब मांगने होगे। साथ ही इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन माइकल जैक्सन का खिताब दिलवाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये फिल्म भारत में रिलीज होने के 2 साल बाद रूस में रिलीज की गई। रूस में ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि जहां भारत में इसने 6 करोड़ का बिजनेस किया था वहीं रूस में इसने 94 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म के बाद आइए फिल्म डिस्को डांसर के गानों की बात करते हैं। इस फिल्म में किशोरदा के 2 गाने रिकॉर्ड होने थे। एक गाना ए ओ आ रिकॉर्ड हो चुका था। एक और सुपरहिट गाने को किशोर कुमार जी को रिकॉर्ड करना था लेकिन रिकॉर्डिंग के एन पहले किशोरदा को कहीं बाहर जाना पड़ा। वो गाना था याद आ रहा है तेरा प्यार। ये गाना सुनते ही आपके मन में बप्पी दा का चेहरा आ गया होगा। जी हाँ, ये गाना बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड डिस्को किंग बप्पी लहरी जी ने ही गाया था। गाना इतना सफल रहा कि इस गाने के थ्रू मिथुन चक्रवर्ती को भी काफी फायदा हुआ
लेकिन असली कहानी ये है कि ये गाना किशोर कुमार जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड होना था, पर जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी किशोर दा मुंबई से बाहर गए हुए थे। किशोर दा को शाम तक मुंबई पहुंचकर गाने को रिकॉर्ड करना था, लेकिन किशोर दा की फ्लाइट लेट हो गई। इधर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सभी किशोर दा का इंतज़ार कर रहे थे। चूंकि काफ़ी देर हो रही थी तो ऐसे में बप्पी दा ने सोचा कि किशोर मामा के आने तक मैं गाने को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि मामा उसे सुन लेंगे तो उनके लिए गाना आसान हो जाएगा। जी हाँ, बप्पी लहरी जी किशोर दा को प्यार से किशोर मामा पुकारते थे। फ्लाइट काफ़ी लेट हो गई, जिसके कारण किशोर कुमार जी काफ़ी लेट मुंबई पहुँचे। जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचे तो बप्पी लहरी जी ने उन्हें बताया कि किशोर मामा, मैंने गाने को आपके लिए ऐसे ही रफली रिकॉर्ड कर दिया है, ताकि आप रिकॉर्डिंग के पहले उसे सुन लें तो आपके लिए गाने में आसानी हो जाएगी। किशोर दा ने पूरे ध्यान से वो पूरा गाना सुना। खुश होकर बोले कि वाह बप्पी, तुमने ये गाना बहुत ही अच्छा गाया और इतना अच्छा गाया है कि ये गाना अब तुम्हारी आवाज़ में ही जाना चाहिए और देखना ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा। यारो, मैं तो यहां जीता रहा सारे गम दिल के भुला के। बस उसके बाद ऐसा ही हुआ और वो गाना बप्पी दा की आवाज में ही रिलीज किया गया। वो गाना दर्शकों को खूब पसंद आया। याद आ रहा है सॉन्ग इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि आज तक हम उसे उतने ही प्यार से सुन रहे हैं। बप्पी दा का ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसता है। दोस्तों, आपको आज की किशोर दा और बप्पी दा की ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार से ही मुझे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।